हेलो नमस्ते, राम राम दोस्तों। आप देख रहे हैं पौन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। आज है 27 जुलाई और जैसे मैंने कल वाला ब्लॉग बनाया था कि 26 और 27 जुलाई को आप शिवालयों में जल अभिषेक कर सकते हैं अगर आप कांवड़ लेने गए थे हरिद्वार साइड और वहाँ से गंगा जल लाएँ। और सावन का महीना है और मौसम देखिए पूरे मतलब बरसात के महीने मौसम ऐसे होता है पहाड़ों में, चारों तरफ बस धुंध लगी होती है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। तो देखिए आज एक बार फिर से अभी मैं नौनखाल मार्केट जा रहा हूं और सुनने में आया कि नौनखाल मार्केट में जो मैंने आपको शिवालय दिखाया था कल वाले ब्लॉग में, वहां आज जल अभिषेक होने वाला है और भंडारा है सावन शिवरात्रि का। और मम्मी जा रही है घास लेने खेतों में और मौसम देखिए आप, और ब्रॉनी भी हमारे पीछे पीछे। ब्रॉनी आज आपको दिखाएंगे कि कैसे पहाड़ों के मंदिरों में भंडारा होता है और कैसे सारे आसपास के लोग वहां पे आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आजकल लगातार बारिश में भीग रहा हूं जिसके कारण थोड़ी सी जुकाम वगैरह हो गई है, तो आज फिर से डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। और अभी हम मंदीप का वेट कर रहे हैं, वो भी आ रहा ऊपर से। मंदीप भी पहुँच चुका है और अब निकलते हैं हम नौनखाल मार्केट अपनी धनों में। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं, ये देखिए अर्धनारेश्वर शिवालय नौनखाल मार्केट में। और कल मैंने बताया था कि यहां जल अभिषेक होने वाला है आज, तो जल अभिषेक वगैरह सब कुछ हो गया है और वहां पे देखिए भंडारा का आयोजन है, तो वहां पे लोग भंडारे के लिए खाना वगैरह बना रहे हैं। और ये देखिए नितिन ये जा रखा था कांवड़ लेने हरिद्वार और इन्होंने यहाँ पर जल अभिषेक किया है। तो अभी तो खैर प्रिपरेशन हो रही है भंडारे की। तो कांवड़ लेके आए हैं आज और यहाँ पे सबसे पहले कन्याओं को भोज दिया जा रहा है। देखिए तो नितिन लाया कांवड़, देखिए खाओ 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 चलो खाओ। और दोस्तों ये देखिए सबसे पहले शुरुआत होगी यहाँ पर शिशु मंदिर के बच्चों से, और रोहित भाई सूजी और दाल लेके पहुँच चुके हैं। Oh
भाई साहब ऊपर देखो फोटो आ रही है आपकी। उसको कम देना कम देना। क्या हुआ? दवाई लाओ उसके लिए। चलो आप बाढ़ लो बाढ़ लो। अभी जब कोई निभाने वाले नहीं आते तो कोई नहीं देंगे। जल अभिषेक होने के बाद यहाँ पे बच्चों को देखिए, सभी को भंडारा बांटा जा रहा है। और ये सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे हैं सारे, ये देखिए साथ में मंदिर वगैरह सारे सज्जन वगैरह काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सारे बच्चे भंडारे का आनंद लेते हुए। अच्छा बना है? क्या क्या खाया तूने आज? हाँ, आज हम आए हैं अर्धनारेश्वर महादेव नौंखाल मार्केट में और यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पे शिवालय में जल अभिषेक के बाद छोटे बच्चों को यहाँ पे भंडारा वगैरह सब कुछ हमने बांट लिया है और सभी ने खाना खा लिया है बच्चों ने। अब ऊपर जब जो भी लोग आएंगे सब उनको खाना वाना खिलाएंगे। और मंदीप को देखिए, तब से वो लगातार काम कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भक्ति वाला है और ऐसे कामों में मतलब बहुत आगे रहता है। ये देखिए बारिश की टाइमिंग देखिए, सेम रोज की तरह ठीक 2 बजे अभी हम घर जा रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है। सुबह से मौसम अच्छा था, सभी लोगों ने बड़े प्रेम से भंडारा खाया। तबीयत ऑलरेडी ख़राब हो रखी है और एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। दौड़ मार के जाना पड़ेगा क्योंकि जुकाम बहुत तगड़ा वाला है, बदन टूट। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे।